गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग के 6:55 हो चुके हैं। मैं जस्ट अभी सो के उठी। ये रात में 2 बजे गए थे सोते हुए और अभी सोच रही हूँ मैं जो रात को मैंने आपको दिखाया था कुछ क्लॉथ जो है ये दिख रही हूँ तय लगाए थे, लेकिन मैं उसको वापस जो कबर्ड है वहाँ नहीं रख पाई। उसके अलावा इतना सारा काम हो चुका था कि मैंने उस वर्क को जो है वो स्किप कर दिया। तो अभी सोच रही हूँ अभी इसको निपटा देती हूँ उसके बाद क्लास जाने से पहले, क्योंकि जितने काम मॉर्निंग में निपट जाते हैं ना वो फिर पूरे दिन के लिए आरामदायक रहते हैं। इसीलिए कुछ वर्क जो है मैं अभी निपटा देती हूँ मॉर्निंग में। ये हर दिन का शेड्यूल है ना, और जो कुछ बचेंगे वो आफ्टर क्लास, और फिर जो कुछ और बचेंगे वो फिर इवनिंग 3 शिफ्ट में जो है वो मैं घर के काम को निपटा देती हूँ। लेकिन रात तक ऐसा रहता है ना कि ये भी छूट गया वो भी छूट गया, मतलब एक जो घर का काम है ना वो अच्छे से मेरे को लग रहा है मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है। मुझे एक ऐसा शेड्यूल तैयार करना चाहिए जो मतलब एक तय टाइम पे फिनिश हो जाए। हाँ, आदि के साथ मैंने बताया था वो, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, आदि से पहले हर चीज़ हो जाती थी। अब ये क्या करता है, हर काम को मतलब डबल कर देता है, चाहे इसका खुद का हो। अब ये जब खाना खाने बैठेगा तो कम से कम 1 घंटा तो आराम कर, वो भी भाग भाग के खिलाएगा। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी हैबिट को चेंज करूँ कि उसको एक जगह पे बिठा के अच्छे से कम टाइम में खाना खिलाऊँ, क्योंकि यही हैबिट तो फिर उसकी बड़े तक जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि अभी जो ये हैबिट सीख लेगा वो इसके बड़े होने तक जाएगी। तो चलिए फिलहाल तो मैं अपना ये वर्क फिनिश कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे क्लास जाने से पहले। सो गाइस, आई एम रेडी, और जबकि मैं अपना टाइम से पहले हूँ, देख पा रही हूँ क्या 10 मिनट है अभी 8:00 में, 10 मिनट। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस मुझसे अपना ब्लेजर इन करना है और जाना है, और बिल्कुल मैं रेडी हूँ। और बाकी जो मेरा हाउस है वो भी ऑलमोस्ट क्लीन है, बाकी वो तो मैंने अपना ब्लेजर और बैग बाहर निकाला है, बाकी सब रेडी है। और टाइम से क्या है, मैं 5 to 10 मिनट पहले ही अपनी अकेडमी में पहुँच जाती हूँ ताकि कुछ कुछ चीज़ें जो है उन्हें कम्प्लीट कर पाऊँ। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे क्लास के बाद, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि आपके समर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्या बताने वाली हूँ, अभी मेरा गला बैठा थोड़ा थोड़ा, वो इसलिए क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। चाय मतलब मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है मॉर्निंग में। चाय ना मिले ना तो मेरा मतलब मॉर्निंग थोड़ा चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो बस वही लेने जा रही हूँ मैं। और हाँ, आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। और सच में बता रही हूँ ये आपके लिए समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है।
कुछ फ्रूट्स भी वहाँ पर स्टॉल लगे थे, तो हम लोगों ने आदि के लिए, खुद के लिए थोड़े से फ्रूट्स भी ले लिए। अब आदि का क्या है, मेन उसको खिलाना मतलब टेंशन वाला काम रहता है, लेकिन होता है ना ग्रोइंग चाइल्ड, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहा चलो ये ले लेते हैं, और फिर टाइम ही नहीं लगता वैसे भी, एक हफ्ते बाद एक हफ्ते का सामान भर लो, फिर नेक्स्ट वीक के क्लास हम लोग पहुँचे सब्जी मंडी। और यहाँ पर काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल मिलती है, वैसे घर के पास भी मिलती है लेकिन वो इतनी फ्रेश नहीं रहती है, तो चलो उनका सब्ज़ी ले लेते हैं। तो तकरीबन 8:30 का टाइम था और काफ़ी चहल पहल थी, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, मतलब वुमेंस भी थी और छोटे बच्चे भी थे, और सामान भी काफ़ी अच्छा था, ताज़ा था, मतलब अच्छा था। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे टमाटर जैसे कुछ है, बहुत ही छोटे है, मतलब टमाटर ही बोलते होंगे इनको, क्या बोलते होंगे, चेरी टाइप के कुछ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे यहाँ पर। ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल, जैकफ्रूट, और मतलब हफ्ते में एक बार अच्छा लगता है, अगर अच्छा पके तो अच्छा लगता है, और अगर ख़राब बन जाए तो इससे भी बेकार सब्ज़ी फिर और कुछ नहीं लगती है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि मैं आज आपके साथ एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ, और समर आ रहे हैं जिस जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी, तो अभी वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ डिटॉक्स वाटर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमें वाटर मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग नहीं पीने चाहिए, वैसे सर्दियों में भी हालाँकि बहुत पानी पीना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। पर अगर हम गर्मियों की बात करें तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि आपको काम करना है, ऑफिस जाना है या घर का काम भी करना है, तो भी आपको मतलब बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पसीना उस दौरान बहुत ज़्यादा आता है, तो जिस कारण हमारी बॉडी में भी लिक्विड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, कि मुझे ज़्यादा पानी पीने की ना हैबिट नहीं थी कुछ समय पहले तक, मुझे मतलब थोड़ा सा पी लिया हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ, एक तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लग गई, यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो जिस कारण मतलब मुझे जो है पर्सनली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं सिंपल वाटर नहीं पी पा रही हूँ तो क्यों ना इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके पिया जाए, हो सकता है मतलब उस समय ये नहीं था कि इसका स्किन के ऊपर कुछ अच्छा या बुरा असर पड़ेगा, उस समय ये था कि कैसे भी करके लिक्विड चला जाए। पहले मैं क्या करती थी, 3-4 बार जो चाय हो जाती थी मेरी, तो मतलब ठीक है थोड़ा बहुत लिक्विड जा रहा, लेकिन चाय भी तो आप गर्मियों में ज़्यादा नहीं पी सकते हो, फिर भी 2 टाइम तो अभी भी पीती हूँ मैं, जो कि मेरे को नहीं पीना चाहिए, लेकिन चाय के बिना मेरा काम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने अदर वे क्या था उसको डालने के लिए, लिक्विड अंदर लेने के लिए, तो मैंने क्या किया, वाटर में कई चीज़ें मिक्स की, और उससे क्या हुआ, सिर्फ पानी पीने की मेरे को हैबिट ही नहीं पड़ी, उसके अलावा भी बॉडी में जो मेरे पहले के वीडियो आपने देखे उन्हें मुझे वाइट हेड्स की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वाइट, और उसका मैंने हालांकि मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गया, उन्होंने बोला कि उसका ज़्यादा कोई वो नहीं है, आपको उसको पिन करके करना पड़ेगा, पिन करके तो फिर मेरे को लगा कि दाग बनाना पड़ जाए, तो मैंने उसका कुछ नहीं किया। तो एक वो जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो सिनामन स्टिक्स वाले, वो कारगर रही कि अगर मेरे को ये टाइम नहीं लगता है, वो तो मॉर्निंग अभी ये भी पीती हूँ ना मैं, ऑफिस लेके जाती हूँ अपनी बॉटल में डाल के, अगर मुझे समय मिलता है तो ये तो मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ, लेकिन रात की वो जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की वो मैं कंटिन्यू पिछले 1.5 सालों से पी रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक अपने ये मेलाज्मा और वाइट हेड तो बहुत कम है ही नहीं, मतलब वाइट हेड तो ना के बराबर है, और डार्क सर्कल मतलब सारी चीज़ें उससे मतलब धीरे धीरे, उसके अलावा क्योंकि मैंने कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं की, ना नेचुरल ना एलोपैथी, कुछ भी नहीं, तो इसीलिए ये चीज़ें मैं पिछले 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे यूरिनल इन्फेक्शन भी की भी प्रॉब्लम हो रही थी,
क्योंकि वो भी पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो मुझे लगा कि मैं चलो यार आज आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए कि अगर आपको पानी पीने की हैबिट नहीं, अगर है भी, अगर आप अच्छे से पानी पीते हो तो आप इस तरीके से भी आप पानी को पी सकते हो, जिससे कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए डायरेक्ट लेके चलती हूँ मैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले ककुम्बर, ये बड़ा ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। लेमन तो स्किन के लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी है। मिंट, काफ़ी रिफ्रेशिंग जिंजर, एंड फाइनली हमें चाहिए वाटर। तो ये मैं एक गिलास में बता रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसे अपने जो भी आप ऑफिस के लिए बॉटल ले जाते हैं उस पर आप तैयार कर लिए, आप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका जो अपर पार्ट है इसको काट लेते हैं। ऊपर का पार्ट हमेशा थोड़ा कड़वा कड़वा होता है, तो इसलिए उसको, उसका जो कड़वाहट है वो निकाल लेनी चाहिए। ऐसा मेरी नानी करती थी, तो उन्हीं की आदत जो है वो मुझे भी लग गई है। कई बार लोग आधा भी काटते हैं तो शायद वैसे ही निकल जाते, तो मेरी नानी क्या इस तरह से काटती थी, जिसमें वो बताते थे ये जो झाग सा निकलता है बोलते कड़वाहट रहती है, तो इसको निकाल लेना चाहिए। और अच्छे से इसको, इसका छिलका उतार के फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ककुम्बर जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जिसमें मैंने बताया था ये डार्क सर्कल के लिए, ऐसा नहीं है जड़ से ख़त्म करता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये ने हमारे डार्क सर्कल को भी कम करने में, मतलब बढ़ने से रोकता है और कम भी करता है थोड़ा, और आँखों को काफ़ी रिलैक्स करता है। और तो जब भी हम टायर्ड होते हैं तो हम, मैंने तरीका भी बताया था आपको कि काट के आप इसके कुछ स्लाइसेस जो है फ्रिज में रखिए, उसके बाद आँखों को इतना सुकून मिलता है ना कि मतलब क्या बताऊँ। खैर आप लोग यूज़ करते ही होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सक्राइबर है मेरा जिन्होंने यूज़ नहीं किया है तो एक बार करके देखना, फ्रिज से जैसा भी आता है, जैसे ठंडा ठंडा आता है तो बहुत ही मज़ा आता है सीरियसली। उसके बाद जो है ना आदमी का आंखें और दिमाग दोनों ही फ्रेश हो जाती है। तो इस तरह से कुछ हम पतले पतले स्लाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना आपको नीड है, मतलब अपने अकॉर्डिंग एक स्लाइस चाहिए, दो स्लाइस, मतलब अच्छे से आप डालिए। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा मेथड है कि मतलब आप, तो मैं गिलास में बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ उस चीज़ को। अदरवाइज़ ऐसी बॉटल्स भी मार्केट में आती है जिसमें आप जो भी आपका पसंदीदा चीज़ें हैं उसको काट कर आप उसमें डालो और अपना बढ़िया अपना ऑफिस ले जाओ, या फिर घर पे भी तैयार कर सकते हो। सेकेंड हम लेंगे जिंजर। जिंजर जो है एक, वाकई बताऊँ मैं आपको, एक एंटी ऑक्सीडेंट का काम भी करता है, स्किन के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे ब्लड को भी जो है वो प्योरीफाई करता है, तो इसलिए जिंजर जो है मतलब मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ों का एक डिटॉक्स वाटर हम तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा आपको जो भी पसंद हो वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे अंदर बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। हम यूरिन के थ्रू निकालते हैं, स्वेटिंग के थ्रू आता है, और तीसरा हम स्टूल के थ्रू अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। हर दिन आदमी को जो है वो पसीना आना ही चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, नहीं तो घर का काम करिए, लेकिन किसी भी रूप में आपका जो स्वेटिंग है ना वो बॉडी से आना चाहिए। अभी हम देखिए नींबू डाल रहे हैं, इसमें एक बीज चला गया क्योंकि कैमरा जो था जस्ट मेरे पीछे था और उसको होल्ड करते करते जो है वो उसमें चला गया, लेकिन आप ध्यान रखिए आसानी, मतलब आराम से निकालिए ताकि ये जो है वो पीने में ना आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से खैर मिक्स करके, और इसमें हमारा जो लास्ट है वो है मिंट पुदीना, ये मेरे गार्डन का है और मैंने गार्डन में ऐसे कई सारे हर्बल लगाए हुए, कभी मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैं अपने गार्डन से ही लेके आई हूँ, अभी छोटा है ये, अभी ज़्यादा फैला नहीं है क्योंकि इसको चाहिए होती वाटर बॉडी और मेरे पास वाटर बॉडी इतनी है ही नहीं, मतलब इतना मेरा क्या है। तो इस तरह से हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो ड्रिंक है ऑलमोस्ट डन। इस तरह से ये जो मेरी ड्रिंक है वो रेडी है पीने के लिए। तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है क्योंकि मिंट है इसमें, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है, एंड जिंजर है,
जो कि स्किन के लिए कुकुम्बर है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। लामन है, तो मैंने पहले भी बताया विटामिन सी होने के कारण ये स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये ड्रिंक जो है मेरी रेडी है। तो घर पे तो आप मतलब चाहे तो इस तरह से आप गिलास तो मेरे ख्याल हर टाइम नहीं बना पाओगे ना, तो इसलिए किसी जग में या बड़े बर्तन में या फिर बॉटल में ही बना के रखिए। लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा टाइम तक इसको स्टोर मत करिए, फिर उसका बेनिफिट ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बहुत टेस्टी भी है। और दूसरी ये चीज़ होती है ना, हर चीज़ तो हम टेस्ट के लिए नहीं करते, और कई चीज़ें अगर हमें कुछ चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को छोड़नी भी पड़ेगी। हर चीज़ में अगर टेस्ट ढूंढने लगेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। और ये तो ऐसा था, मैंने अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने स्किन के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं। अभी वाटरमेलन आ रहा है, मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली। पसंद मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बीज इतने सारे होते हैं ना, तो मतलब खाते नहीं बनता है, इसलिए बोल रही हूँ। वाटरमेलन आ रहा है, आप उसको डाल सकते हो। मतलब जो भी फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्लड को तो प्योरीफाई करेगा ही करेगा, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट भी है इसमें। तो सिंपल वाटर पीने की जगह क्यों ना इस तरह से एक नई शुरुआत की जाए, जो कि हमारे आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं अपना मैसेज आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलूंगी मैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका काम जो है ऑलरेडी, वीडियो का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें मतलब हाफ हो चुका है, अभी बची है, लेकिन बहुत जल्दी मतलब कंप्लीट होने वाला है। लेकिन बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको वीडियो देख के। तो आई होप आप ज़रूर बने रहोगे प्राची ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।